हे गाइस, वेलकम टू मूवीज कनेक्शन, जहां आज मैंने देखी जॉर्डन पीले की ब्रांड न्यू हॉरर फिल्म नो, जो कि एक मिस्ट्री साइफाई हॉरर फिल्म है। बाकी फिल्म में क्या अच्छा है और क्या बुरा सब जानेंगे, डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। जिसके सबसे पहले कहानी पढ़ाऊं तो कहानी फॉलो करती है सिबलिंग्स ओजे और एमरल्ड हेवुड को, जो अपने फादर के मिस्टीरियस डेथ के बाद रेंच को संभालते हैं, हॉर्स को ट्रेन करते हैं मूवीज और टेलीविजन के लिए, और साथ ही साथ पता लगाते हैं आसमान में घूम रहे एक क्लाउड के बारे में, जो क्या है और क्या नहीं और क्या कुछ होता है वो जानने के लिए आपको देखनी होगी जॉर्डन पीले की ब्रांड न्यू फिल्म नोप। जी हाँ, सही सुना, मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्डन पीले ने, यानी फिल्म के बारे में आप जितना कम जानोगे उतना बेटर रहेगा। बाकी अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको फिल्म के बारे में कुछ हद तक तो पता ही होगा, पर जिन्होंने नहीं देखा टेंशन नॉट, वीडियो पूरी तरीके से स्पॉइलर फ्री है। जिसके अब सीधा कहानी बनाओ तो कहानी का मेन फोकस ओजे और एमरल्ड है, जो अपने फादर के चले जाने के बाद फ्रेंच को संभालते हैं, जो ओजे पूरी ईमानदारी के साथ करता है। तो वहीं एमरल्ड हॉलीवुड में फेमस होने के सपने देखती है, जिस बीच वो नोटिस करते हैं एक क्लाउड को, जो क्या है और क्या नहीं और क्या कुछ होता है, यही है फिल्म की कहानी। एक मिनट, अगर आपको लग रहा है कि मैंने सब कुछ रिवील कर दिया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिल्म में बहुत कुछ है, एक्चुअली काफी कुछ है, क्या फिर कहूँ, असली मजा फिल्म को देखते वक्त आता है, क्योंकि एक एलियन बेस्ड फिल्म होने के बाद भी इसे जिस तरीके से बनाया गया है, सस्पेंस को बिल्ड किया गया है, वो लाजवाब है। बाकी जॉर्डन पीले की पिछली फिल्मों की तरह ही हम इससे भी स्टार्ट से ही पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, वही एंडिंग सेटिस्फाई है पर कई सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी और शायद से ये पूरी की पूरी फिल्म भी, क्योंकि जॉर्डन पीले की फिल्म गेट आउट या अस ले लो दोनों ही हॉरर के मामले में काफी बढ़िया है, पर वही ये फिल्म उस लेवल की नहीं, बट फिर भी कई सारे थ्रिलिंग और इंटेंस मोमेंट्स है जो हमें थ्रिल करते हैं थ्रू आउट द फिल्म। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंस लाजवाब है हमेशा की तरह ही, खास करके डैनियल कैलुया की, जो एक बार फिर हमें इम्प्रेस करते हैं, जिनके कैरेक्टर को लेकर डेवलपमेंट भी फिल्म में देखने मिलती है और कहीं ना कहीं हम उनसे कनेक्ट फील करते हैं। वहीं स्टीवन यून को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला है और ऊपर से उनके कैरेक्टर के साथ जो कुछ भी किया गया है चाइल्डहुड स्टोरी को लेकर वो इतना इम्पोर्टेंट फील नहीं होता। बाकी ब्रेंडन पेरी की परफॉर्मेंस अच्छी है और माइकल विनगॉट की भी, जिनका अगेन स्क्रीन टाइम कम है। बाकी फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है और बीजीएम भी, खास करके बैकग्राउंड स्कोर, जो कई सारे सीन्स और एक्शन सीन में कहीं ना कहीं चार चांद लगाता है। बाकी कुछ सीन्स में आपको कॉमेडी भी देखने मिलेगी, पर उसी हिसाब से जितनी फिल्म में जरूरत थी। तो वहीं VFX वर्क भी अच्छा है और एडिटिंग भी, पर कहीं ना कहीं लेंथ थोड़ा बहुत फील तो होती है। बाकी इस टाइप की फिल्म में ज्यादा से ज्यादा सीन्स को नाइट में शूट किया जाता है ताकि VFX की प्रॉब्लम ना आए, जो इस फिल्म के साथ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फिल्म के क्लाइमेक्स को दिन में शूट किया गया है जिसमें VFX वर्क लाजवाब है। बाकी प्रेजेंटेशन भी काफी बढ़िया है, क्योंकि फिल्म को पार्ट्स में बांटा गया है और हर एक पार्ट कहीं ना कहीं स्टोरी को लेकर कुछ ना कुछ रिवील ही करता है। तो ओवरऑल मेरी नजर में नो एक काफी जबरदस्त फिल्म है, अगेन जॉर्डन पीले की तरफ से, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। फिल्म नोप को मैं दूंगा 4 स्टार्स। तो गाइज, ये था फिल्म नोप को लेकर मेरा रिव्यू, जिसे अगर आपने देख लिया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और इसी के साथ खत्म होता है ये रिव्यू, जो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।